भाई साहब निकले हैं वहाँ पर घूमने के लिए। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो स्वागत करते हैं अपने चैनल पे स्टार गलाई साबिर। और भाई सुबह का वक्त हो चुका है और भाई साहब देख सकते हो नाश्ता रेडी है क्या स्टार। आज हम लोग का तीसरा दिन है सर, तो आज लास्ट डे है हम लोग का। नेक्स्ट डे पटना निकलेंगे और आज जाना है अपने पुश्तैनी गाँव। तो टाइगर को दिखाएँ जहाँ हमारा जन्म, मतलब जहाँ हम लोग बचपन गुजरा है मेरा, तो वहाँ ले जाएंगे इसको और दिखाते हैं। चलो अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपसे बात होगी दोस्तों। गाइस नाश्ता वास्ता करके थोड़ा सा जा रहे हैं बाजार घूमने के लिए और आज लास्ट दिन है, थोड़ा सा घुमा देते हैं बंदा को। अरे घूम लो, चलो भाई साहब अभी वो निकले हैं थोड़ा अपना घूमने के लिए, दिखा देते हैं लास्ट दिन आ गया हमारा। और इधर का नज़ारा देखो सर, हम लोग गाँव कितना खूबसूरत देख सकते हैं, इतना खूबसूरत नज़ारा। ये मतलब ये गाँव का गाँव भी है, शहर का शहर भी हम लोग का, तो हर एरिया में मजा दे सकते हैं। आए थे दिखाने के लिए और देख सकते हो ये हमारे गाँव का खूबसूरती। और ये नहर बचपन में प्रिंस हम लोग में कम नहाया जाए आके, बहुत ज्यादा बहुत। इसी में तू लोग तैरना सीख गया। बोल बोल कजी, बचपन में हम लोग यहाँ पर जानता है टाइगर, जब हम लोग छोटे थे ना, जब छोटे थे तो यहाँ पर खूब आके नहाते थे इसमें। अभी देखो पूरा भरा हुआ है। तैरने आता कि ना तेरे तैरने आता कि नहीं? हम कहाँ तैर पाए। अरे सीख ले तैरना, मत जा प्रिंस छोड़ दे। फोटो लेते हैं, शानदार है टाइगर। और देख सकते हो भाई इधर का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। तो सोचे कि अभी घूम लेते हैं थोड़ा सा एरिया और अपने गांव वहाँ जाएंगे तो दिखाएंगे आपको, तो अभी घूम ही रहे हैं। हमारे दाऊद नगर भाई बात ही अलग है, आप लोग कहीं भी देख रहे हैं कहीं से तो हमारे दाऊद नगर शहर में एक बार आप लोग जरूर आए दोस्तों। देख सकते हैं इतना खूबसूरत नज़ारा और इतना अच्छा। वीडियो बन जाता दूसरे खेत में जाकर रोप रहा धर के। तो भाई साहब घूम घूम के आ गए थे हम लोग और फिर उसके बाद खाना का वक्त हो गया था और आज अंडा है, अंडा रुका है, अंडा कढ़ी है और ये पापड़ है। और मेरी बेटी खाना मेरा लगा रही है, सब लिखी इधर ना बेटी मेरा खाना लगाइए ना। आइए आइए आप आइए जितना रेस्ट। तो अब खाना उना खाने के बाद हम लोग निकल गए अपने गाँव के लिए, जो मेरा पुश्तैनी गाँव है तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। क्या स्टार, तो अपना पुराना गाँव तेरे दिखाते हैं चल। नजारा देख सकते हो, ये है आपको सोन ब्रिज नासरीगंज। तो भाई साहब हम लोग नासरीगंज के अंदर घुस गए हैं और जा रहे हैं मोना। देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है और इधर धुआं उठता हुआ। वाह व्हाट ए वंडरफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल ये नज़ारा है भाई, बहुत खूबसूरत है हमारा गांव भी। देख सकते हो जा रहे हैं, तो चलो हम पहुँचते हैं तो फिर बातें आपसे होंगी। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं अपने अंकल के हवेली पे और ये देख सकते हो नज़ारा। क्या टाइगर बाबू कैसा फील हो रहा है? हाउ द जोश, चलिए दोस्तों हेलो साम, क्या हाल ठीक है बाबू? वीडियो बना रहे हैं कि नेताजी पूरा डिंग डांग हाके हैं, इनका हवेली इतना खतरनाक है नेताजी। असलम अंकल अभी ना है ना? असलम अंकल गया ना? तो भाई साहब देखो ये मौना हमारा गांव, यहाँ से पूरा गांव नज़र आ रहा है आपको, देख सकते हैं ये। टाइगर को खूब मज़ा आ रहा है। हाँ टाइगर मज़ा आ रहा है। हम लोग आते तो यहीं सोते होते हैं वाले रूम में। हाँ। रहे हम लोग बचपन यहीं पे गुजरा है। हाँ हाँ उधर भी घर है चचा लोग का, उस साइड जहाँ लगा ना वो तुम्हारा। तुम लोग फिर कौन? फिर आगे में है मेरा, वहाँ पर है उस पट्टी। चल ले चलो वहाँ पे, चल ऊपर आओ आओ सबसे ऊपर तेरे ले चलते हैं। आओ यार देख रहा नज़ारा, इधर ही उचल जाएगा समझे हो, इधर ही मंगरौली रोड है, उपदेशवा घर इधर ही है, नोखा इधर पड़ता है इस साइड में आपको डिहरी नोखा सब इधर इधर जाना जानना है। ये मोना बस्ती है हमारा। कैसा लग रहा है गांव देखने में, ठीक लग रहा है सर बाबू? ऐसा तो लग रहा है कि सबसे ऊपर खड़े हैं। क्या लग रहा है? सबके ऊपर खड़े हम और सब लोग नीचे ना इसके इस छत के ऊपर तक यहाँ तो आसपास कोई घर नहीं है ना।
ना, सबसे टॉप लेवल का इस एरिया में अभी बना हुआ। ताड़ कुछ हो चुका है देख भाई साहब, तो आए हुए हैं अंकल के घर पे भाई, अभी तो मजा ही जा रहा है क्या बता। क्या आशीष खुश हो ना? खुश हो टाइगर। ऐसा फीलिंग ना लग रहा है हम होटल में कहीं बैठे हुए हैं और नजारा ले रहे हैं, रेस्टोरेंट वाला फीलिंग ना लग रहा है। इसी में ना पूछते हैं आप यहाँ टाइगर वाला स्टार। तो भाई सब ठंडा उंडा पी रहे थे, उसके बाद नाश्ता लग गया था। और ये हमारे साथ हमारे भाई अंकल के लड़के हैं और यहाँ पर बैठ के नाश्ता चल रहा है, शानदार नाश्ता, एकदम गांव वाला, मिठाई है, सिंघाड़ा है, बहुत कुछ था। तो खा पी रहे हैं और हम लोग फीलिंग ले रहे हैं एक होटल टाइप का। तो अंकल तो ना थे, मेडिकल पे हैं, उनसे भी जाएंगे मिलने के लिए। तो टाइगर को भी मज़ा आ रहा है खूब यहाँ पर, और उसको खिला रहे के लिए भाई तो खा। तो यही था भाई साहब, अभी खा रहे चलो और दिखाते हैं बाहर से भी आपको कैसा सीन है। तो फाइनली भाई साहब बाहर हम लोग आ गए थे और पूरा शाहरुख खान वाला फीलिंग ले रहे हैं, एकदम हाई बाय करके, कोई है नहीं लेकिन झूठ कोई सी कर रहे हैं फैन फॉलोइंग के लिए। और देख सकते हो तो मकान बहुत सुंदर बना है यार, मतलब क्या ही बताएं, अंकल बनाए हैं एकदम डॉक्टर एस कुरैशी, देख सकते हैं तो बहुत शानदार है। और नज़ारा आप लोग बताना कि अंकल की बिल्डिंग कैसी लगी, और आप लोग ज़रूर आएँ हमारे गाँव घूमने के लिए मोहना में। तो भाई साहब ये था हमारे अंकल की बिल्डिंग। और टाइगर को बताओ कैसा लगा अंकल के पुश्तैनी गांव आए हैं हमारे। अगर अगर गांव ऐसा हो तो हम तो शहर में नहीं रहना चाहेंगे, गाँव ही चलो हम तो कहेंगे। सही बात है, तो गांव में एक अलग तरह का मजा है ना, मतलब बहुत मजा है अंकल रौनक है ना बहुत रौनक। अरे है नहीं रौनक, इसको रौनक यहीं से शुरू, यहीं पे धर्मो धर्मो धूम धड़ाम, पूरा नॉलेज लेके बैठे हैं। हाँ जी, तो चलो दोस्तों और ये था ब्लॉग, हम निकलते हैं यहाँ से फिर और दिखाते हैं कुछ। तो भाई आ गए थे मज़ार पे, तो हमारे गांव में ये मज़ार है दादा सहने की, और यहाँ पर कहा जाता है कि अगर किसी को सांप काट देगा यहाँ गांव के लोग के, तो वहाँ पर रख देने से सांप का विक ख़त्म हो जाता है, तो ये मान्यता है ऐसी। और देख सकते हो यहाँ पर बहुत खूबसूरत मज़ार, और सब लोग आते हैं यहाँ पर, हर धर्म और जाति के लोग आते हैं, मेला लगता है, देख सकते हो अभी लोग भी आए हुए हैं आज भी, तो बहुत खूबसूरत मज़ार है। और टाइगर बाबू देख रहे हैं और आसिफ बाबू जो हमारे अंकल थे यहाँ पर, हम लिजदाना बेचते थे यही जगह पे। तुम लिजदाना बेचते थे? हम अंकल का हम बेचते थे लिजदाना, ऐसे मुड़ मुड़ गएगा आसिफ, तुम लोग को याद नहीं होगा असलम अंकल का, और यहाँ पर दुकान लगता था यही जगह पे, लिजदाना का दुकान, लिजदाना अगरबत्ती यही सब हम लोग बेचते थे बाबू। टाइगर बाबू यहाँ पर जो दुकान था भीड़ लगा रहा था, मेला लगा रहा था, लिजदाना बेचते थे असलम अंकल, देखिएगा वीडियो, यही पर हम लोग लिजदाना बेचते थे बाबू बचपन में, तो यादगार पल है। तो भाई सब आ गए थे पुल पे, और ये है भवरा, यहाँ का फेमस है, जब भी हम यहाँ आते हैं तो सोनू बाबू का भवरा खाते हैं, बहुत फेमस है और अच्छा बनाते हैं ये भवरा, चलो खाते हैं। और ये है मौना का मार्केट, तो देख सकते हो पूरा, मतलब अच्छा बाजार है, छोटा सा गाँव ही है लेकिन बहुत खूबसूरत है, तो पूरा नज़ारा बताना आप सब कैसा लगा। पूरा वीडियो भाई साहब हम लोग का देखते हैं ना जी, तारिक भाई पूरा देख रहे हैं ना, पूरा वीडियो देखते हैं, पूरा चल रहा है गांव मौना में भी अच्छा पकड़ है हम लोगों का, हम लोग देख रहे हैं तो बारिश होगी पूरा, अभी तो रुके हुए हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग अपना गांव घूम के यहां से निकल रहे हैं, और अच्छी मेमोरी लेके जा रहे हैं, कटेगा तो गांव घूम लिए थे और यहां से निकल रहे हम, और आ गए हैं अंकल के मेडिकल पे, और यही अंकल हैं, इन्हीं का वो बिल्डिंग था बकरीदू अंकल हमारे, तो इनसे बात हुई और जाओ भाई टाइगर बाबू जाओ भाई, हमारे अंकल का भाई मेडिकल है समझ रहे हो, घूम लो यही मेडिकल है पूरा। तो अंकल से मिल उल के हम लोग जा ही रहे थे, तो भाई साहब लोग मिल गए, इन लोग भी पहचान गए हम लोग को, तो बोलो भाई थोड़ा फ़ोटो ले लो, तो हमारे गांव के ही थे, तो इन लोग के साथ भी फ़ोटो लिया जाते वक्त, तो बहुत खुशी हुई कि इन लोग भी वीडियो हमारी देखते हैं। तो भाई साहब फाइनली हम लोग अपना गांव घूम के अब घर के लिए रवाना हो गए हैं, और कुछ फैंस भी मिल गए थे। और इसी तरह आज का ब्लॉग हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। और बताना कैसा लगा हमारा गाँव आप सभी को, मज़ा आया नहीं देखने में, ये था हमारा पुश्तैनी गाँव दोस्तों, बाय।